है ना, कितना टेस्टी नाश्ता, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अगर आपने एक बार ऐसा नाश्ता बना लिया तो आपके बच्चे मार्केट का पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे और हमेशा ऐसा ही नाश्ता बनाने की डिमांड करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने दो कच्चे आलू लिए हैं और इन आलू को छील के अच्छी तरह धो लिया है। तो सबसे पहले हमें इन आलू को घिस लेना है। तो जो बारीक वाला ग्रेटर है, इस साइड से मैं इनको घिस के तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। इसमें हम बहुत सारी सब्जियों का यूज़ करेंगे और साथ ही सबसे खास बात, ये बहुत कम ऑयल में बन के तैयार हो जाता है। तो एक बार आप बना के देखिए, आपको यह नाश्ता बेहद पसंद आएगा। अब इस तरह ये दोनों आलू मैंने घिस के यहाँ तैयार कर लिए हैं। अब ये आप देख सकते हो कि आलू में काफ़ी सारा रस है, तो इसे हमें फेंकना नहीं है। ये जो जूस सा निकल रहा है आलू का, इसी में हम नाश्ता तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च बारीक कट करके ऐड की है, मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, एक बारीक कटी हुई प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, इससे टेस्ट अच्छा आता है अजवाइन से, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच आमचूर पाउडर और दो चम्मच इसमें डाले हैं तिल, सफ़ेद तिल, इससे ये नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ आधा कप सूजी ली है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके सूजी ऐड कर रही हूँ। तो पहले थोड़ी सूजी डाली है, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसे आप मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आलू हैं उनमें जो मॉइस्चर है, जो रस है, उसके अकॉर्डिंग इसमें सूजी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है आपकी। तो यहाँ पर मैं अभी और सूजी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये अभी पतला लग रहा है, पानी पानी सा लग रहा है आलू में, तो इसलिए थोड़ी सी सूजी और डाली है। और अब जो बची हुई सूजी है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह मैंने इसमें आधा कप सूजी डाल दी है और अब इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। फ्रेंड्स, इसमें सब्जियाँ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, या इनमें से किसी सब्जी को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। अब इसे कवर करके मैंने 20 मिनट के लिए रख दिया है और 20 मिनट बाद ये सूजी अच्छी तरीके से फूल के तैयार हो गई है, एकदम परफेक्ट मिक्स बन के तैयार हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक पैन गरम किया है और उसमें मैंने आधा चम्मच ऑयल डाला है। अच्छी तरीके से ऑयल से इसे हमें ग्रीस कर लेना है और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो रखा है अभी, और इसमें डाली है आधा चम्मच राई और ये राई को अच्छी तरीके से आप तड़कने दीजिए। और अब जो मिक्स बना के हमने तैयार किया है वो इसमें मैंने डाल दिया है, इसे पैन में स्प्रेड कीजिए आप। यहाँ पर इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम थिकनेस का इसे हमें रखना है। और इस तरह स्प्रेड करने के बाद साइड से इसे सही कर दीजिए, इसके किनारे वगैरह अच्छी तरीके से स्पून से आप ठीक कर दीजिए। अब इस तरह मिक्स को पैन में रखने के बाद आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाना है। तो मैं इसे यहाँ कवर कर देती हूँ और 3-4 मिनट बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से कलर चेंज हो गया है इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो अब हम इसे पलट देते हैं और देख लेते हैं ये नीचे से कैसा सिका है। तो बहुत ही सावधानी से आप इसे इस तरह पलट दीजिए, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, लग रहा है ना देखने में ही बहुत ही शानदार। तो अब हम इसे
फिर से कवर करके 3 से 4 मिनट तक दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। तो ये मैंने इसे कवर कर दिया है। अब इसे 3-4 मिनट हो चुके हैं तो नीचे से हम इसे पलट देते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से पलट जाएगा और देखिए कितना अच्छा कलर आया। और दूसरी तरफ से फिर से हम इसे 2 मिनट और पका लेते हैं जिससे ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं और सभी तरफ से ये अच्छी तरह पक के तैयार हो गया है। तो बस इसे अब आप प्लेट में निकाल लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये नाश्ता। बहुत ही अच्छा हल्का ब्राउन ब्राउन कलर आया है इसका और एकदम क्रिस्पी है। मैं इसे कट कर रही हूँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी बना है। कट करने से ही पता लग रहा है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है ये। ये नाश्ता खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ इसमें यूज़ हुई हैं, बहुत कम ऑयल का हमने यूज़ किया है। इसे आप कट कीजिए और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। इसी तरह सभी को बना के आप तैयार कर लीजिए। इसे आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बना के तैयार कर सकते हैं, घर में कोई मेहमान आए तब बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अगर आपको ये नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको इसे दिखा देती हूँ कि ये बाहर से एकदम क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी फैमिली में सबको बेहद पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।